सनी, आज सोनीपत का दौरा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए, कितने बजे सोनीपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल? देखिए, सुबह का लगभग 11:50 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कटरा का जो हेलीकॉप्टर है वो सोनीपत के गन्नौर स्थित इंटरनेशनल बागवानी जो मार्केट है उसमें लैंड होगा। उसके बाद वो यहाँ पर जो बताया जा रहा है तो अपनी जामा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ठीक है। सनी, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए 11:50 का समय है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बागवानी मार्केट का आज शिलान्यास करने वाले हैं और सबसे बड़ा ये जो मार्केट है ये बनने जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में देखिए लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है क्योंकि लंबे समय से इंतजार इस मार्केट का किया जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री भी पहुंचे थे इससे पहले और ये कहा गया था कि 2 साल के अंदर जो ये मार्केट है बागवानी मार्केट इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पहुंचेंगे, शिलान्यास किया जाएगा मार्केट का, तो वहां से क्या कुछ कहते हैं ये देखना काफी अहम हो जाता है। लेकिन देखिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बागवानी मार्केट यहां पर बनने जा रहा है। और सन्नी मलिक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सन्नी, देखिए आज बागवानी मार्केट का शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं और साथ ही साथ देखिए लोगों में काफी उत्सुकता क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये मार्केट बनने जा रहा है। आप जहां पर मौजूद है तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही है? देखिए मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो इसी मंच से सोनीपत की जनता को है वो संबोधित करेंगे और लगभग 11:50 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड होगा। और उसके उससे पहले जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो उनको सुनने के लिए सोनीपत की जो जनता है वो पहुंच रही है और लगातार लोगों का यही कहना है कि इस मार्केट से ना केवल हरियाणा को बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों को है वो फायदा मिलेगा क्योंकि जो ये बागवानी मार्केट है इसको लेकर काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे ये कब शुरू होगी, लेकिन आज विधिवत रूप से ये शुरुआत है इसकी है वो हो रही है। तो आसपास के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, खासकर चंडीगढ़ के लोगों को इससे बहुत फायदा है वो मिलने वाला है क्योंकि अब दिल्ली की जो आजादपुर मार्केट है या गाजीपुर की जो फूल मार्केट है उसमें जो भीड़ भाड़ है वो रहने लगी है, जिसके चलते अब लोगों की एक डिमांड थी कि एक इसी तरह की एक बड़ी मार्केट है आजादपुर और गाजीपुर की फूल मंडी जैसी एक मार्केट है वो हरियाणा नेशनल हाईवे 44 पर बने। तो हरियाणा सरकार ने उनकी मांगे है वो मानते हुए यहाँ पर एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पर फल फूल और वेजिटेबल्स की मार्केट है वो एक लगभग 200 से 300 एकड़ जो जमीन है वो यहाँ पर ली है और उस पर स्थापित है वो की गई है। जी पुनीता, बिल्कुल। और देखिए लोगों को इंतजार भी है क्योंकि इस बागवानी मार्केट के बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। सनी, ये भी बताइए क्या लगता है कि आज मुख्यमंत्री जब मंच पर मौजूद होंगे, जब संबोधित करेंगे, तो वहां से कुछ ऐलान भी कर सकते हैं क्या, घोषणा भी कुछ सोनीपत वासियों के लिए कर सकते हैं क्या? अगले साल चुनाव है वो होने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत की जनता को 250 करोड़ रुपए की सौगात है वो देता कि सोनीपत का विकास है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद की तरफ है वो उसी को लेकर। ठीक है सनी, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।